क्या हम अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं स्कॉलर, क्योंकि हमारा काफी इंडिया पाकिस्तान में मेन चैलेंज इंग्लिश का भी है कि इंग्लिश के अंदर कैसे लिखें, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज तो है नहीं इंग्लिश, वो चैलेंज है। आपने दो बुक्स का भी रेफर किया था, एक आप शायद सीमन या कुछ बताया, हाउ टू रीड हाउ टू राइट, इनके बारे में एक बार थोड़ा सा बता सकते हैं आप प्लीज? बिल्कुल सर, मैं ये बुक्स हैं यहाँ पे मेरे पास, एकेडमिक राइटिंग की बुक्स हैं, फिलिप सी शोन हैं और ये क्रिमिनोलॉजी के प्रोफेसर हैं। इनकी दोनों बुक्स ही सर फैंटेस्टिक हैं। इनका सेकंड एडिशन है जो हाउ टू रीड जर्नल आर्टिकल्स इन द सोशल साइंसेज। सर मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने जब से एमफिल के बाद पीएचडी इनरोल होने से पहले मैंने बेशुमार किताबें डाउनलोड किए रखी हैं कि थीसिस कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट रिसर्च आर्टिकल्स और इस तरह की सारी चीज़ें, और उसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने, और फिर पूरी पूरी बुक्स हैं जो कि लिटरेचर व्यू राइटिंग के ऊपर हैं। उसमें भी बड़े मेजर डॉक्टर हैरिस हैं और इस तरह और भी कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो जिनकी मैंने बुक्स पढ़ी हैं। लेकिन एक कमी मुझे हमेशा रही कि वो लोग ये बता रहे हैं कि लिटरेचर व्यू में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन कोई सही तरह करने का जो तरीका होता है ना, जैसे हम वो पाकिस्तानी या इंडियन हैं तो हम एक सर्टन वे में सोचते हैं, हमारा तरीका थोड़ा उनसे डिफरेंट है, तो हम ये कहते हैं कि हमें कोई सही उंगली पकड़ के दिखाए कि ये रास्ता जाता कहाँ पे। तो ये वो पर्सन है जिनके, जब मैंने बुक पढ़ी तो मुझे लगा कि रियल में इन्होंने इन्होंने इनका इस पूरी बुक में जो फोकस है वन से अच्छा, एक बात उन्होंने बड़ी प्यारी कही है इस बुक के स्टार्ट के अंदर जो है, वो ये कहते हैं कि जब भी कभी आप लिटरेचर रिव्यू की या आर्टिकल राइटिंग की बुक्स पढ़ेंगे तो वो 400-500 पेजेस की हैं या 300 पेजेस की हैं। तो वो कहते हैं इतनी बड़ी बुक किस चीज़ लिए चाहिए आपको, यानी आप सिंपल प्रोसीजर बताएं लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, मुझे बस ये बताएं, मेरा तो ये इसी इंटरेस्ट के लिए तो मैंने आपकी बुक परचेज की है। तो वो कहते हैं जब भी मैंने खुद भी पढ़ी बुक्स तो वो कहते हैं कि मैं देखा कि लोगों ने तो बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी किताबें लिखी हुई हैं, 400-500-600 पेजेस की लिखी हैं, कहते हैं बताना क्या था, बताना सिर्फ ये था कि लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि मैंने खुद से आर्टिकल को रीड कैसे करना है इसकी मैंने एक, उन्होंने टेम्पलेट बनाया और राइट कैसे करना है उसका भी टेम्पलेट बनाया उन्होंने। और ये इन्होंने बहुत सारी पॉइंट्स जो मैंने अभी बात कहे हैं ये जब आप एक्नॉलेजमेंट और बाकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं कि ये चूंकि उसके क्रिमिनोलॉजी के हैं प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में होते हैं और क्रिमिनल जस्टिस में पीएचडी है इनकी, तो इन्होंने अपना एक पूरा अच्छा, ये चूंकि टीचर रहे हैं और अभी भी हैं तो ये कहते हैं कि मैंने स्टूडेंट से तंग आके ही ये बुक लिखी है। और वो मैंने ऐसा क्यों किया है, वो इस वजह से क्योंकि कहते हैं कि जब स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट सबमिट मेरे पास करवाता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो असाइनमेंट इतनी लंबी चौड़ी होती थी कि मैं उस सब के ऊपर जब कमेंट्स लिखना शुरू करता था तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था, एक तो इतनी सारी असाइनमेंट्स और उसमें सबके ऊपर आप डिटेल्ड कमेंट नहीं लिख सकते हैं। तो कहते हैं मैंने अपनी एक शीट, कोडिंग शीट बनाई और मैंने स्टूडेंट को वो कोडिंग शीट पढ़ाना शुरू कर दी। उस कोडिंग शीट का नाम इन्होंने रखा है रीडिंग कोड ऑर्गेनाइजेशन शीट या RCOS। तो वो कहते हैं कि आप भी इस कोडिंग शीट को यूज कर सकते हैं, ये उसने उन्होंने इसकी इस बुक को अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे तो ये इसके पहले 2-3 जो चैप्टर हैं वो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैं शेयर भी कर दूंगा, उसमें ये वाला बड़ा क्लियर पोर्शन शो होगा। तो उसमें वो कहते हैं कि मैं अक्सर स्टूडेंट को लिख देता हूँ, अगर मैं इंट्रोडक्शन और लिटरेचर भी पढ़ रहा हूँ तो मैं उसके ऊपर लिख देता हूँ व्हाट WTD। तो मैं कहता हूँ कि WTD इसमें ठीक नहीं है या SPL नहीं है इसमें, समरी ऑफ प्रीवियस लिटरेचर मिसिंग है। फिर मैं कमेंट लिख देता हूँ CPL, CPL का मतलब है क्रिटिक ऑफ प्रीवियस लिटरेचर मिसिंग है, और गैप को GAP लिख देते हैं वो, RAT को रैशनल नहीं है इसके अंदर, ROF यानी रिजल्ट ऑफ फाइंडिंग्स जो हैं, RCL रिजल्ट कंसिस्टेंट विद द लिटरेचर जो है और रिजल्ट कंट्रेरी टू द जो रिजल्ट्स है वो आपने स्टडीज जो कंट्रेरी हैं आपकी स्टडी से वो आपने मेंशन नहीं की है। तो ये सारे कोड के उन्होंने डिफरेंट मीनिंग दिए हुए हैं कि WTD कहते हैं। इसके बाद मेरा काम इतना आसान हो गया कि मैं पेपर पढ़ता हूँ बच्चों के असाइनमेंट्स वगैरह तो उसके ऊपर मैं ये वाली जो कमेंट्स हैं उसमें सिर्फ मैंने WTD SPL CPL ये लिख देता हूँ, स्टूडेंट को भी पता चल जाता है कि क्या चीज़ जो है। अच्छा यहाँ पे सर वो उन्होंने सारी वो बुक्स की बात की है, जैसे उन्होंने कहा कि पॉल सिल्विया की बुक है हाउ टू राइट अ लॉट, स्कॉट हैरिस की बुक है हाउ टू क्रिटिक जर्नल्स आर्टिकल इन द सोशल साइंसेज,
suffer from a major shortcoming. They are unwieldy, for example, reading and understanding research जो है 312 pages की है. How to write a master thesis जो है वो 320 pages का है. Surviving your dissertation जो है ये 328 pages का है. Conducting research, literature review from the internet to paper ये Fink का है और 2000 ये उन्होंने कहा कि 272 pages के हैं. वो कह रहे हैं a book that teach student how to read cannot be long and cumbersome. It needs to be succinct, concise and operational, not long-winded and theoretical. How to read journal article in the social sciences meets that goal. तो कहते हैं कि ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ी कि मैंने देखा कि और books available हैं market में, लेकिन वो student कहते हैं कि वो book पढ़ते-पढ़ते नींद आ जाती है, तो मैंने सोचा कि इस तरह की कोई book लिखी जाए जिसमें मैंने ये पूरा. तो एक तो वो कहते हैं कि हमें being a student focus करने की ज़रूरत है, how to read, अब पढ़ना कैसे आपने जो है. और उसके अंदर उन्होंने एक पूरा प्रोसीजर बताया कि किस तरह से आपने. अच्छा, इनके रीड में उन्होंने इसको बुक को कैटेगराइज किया हुआ है चार पांच हिस्सों में. सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि आपने एब्स्ट्रैक्ट को कैसे पढ़ना है, फिर उन्होंने कहा लिटरेचर रिव्यू को कैसे पढ़ना है, इंट्रोडक्शन को कैसे पढ़ना है, शुड आई इवन रीड दिस, हाउ टू रीड द एब्स्ट्रैक्ट, जनरल इंट्रोडक्शन एंड मेथड सेक्शन. तो हर एक चैप्टर के बारे में डिटेल में उन्होंने बताया कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ना है, उसमें से क्या चीजें निकालनी है. आपने इंट्रोडक्शन को पढ़ना है तो उसमें से क्या चीजें निकालनी है, और अगर आपने लिटरेचर रिव्यू को पढ़ना है, मेथड्स को पढ़ना है, तो क्या क्या चीजें निकालनी है. तो ये अगर जैसे सर आपने कहा है, और विद एग्जांपल उन्होंने बताया, उन्होंने डिफरेंट लोगों के यहाँ पे पूरे के पूरे एक एक एब्स्ट्रैक्ट को लिया उन्होंने, और उस एक एक एब्स्ट्रैक्ट को बताया है कि उसमें से कैसे पढ़ना है आपने. और ये चूंकि काफ़ी फॉर लेंथ में चला जाएगा जो हमारी वीडियो है, तो मैं इसको जस्ट ये रिकमेंड करूंगा कि स्टूडेंट्स को पढ़ें. और इनकी जो सेकंड बुक है उसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं जब हम लिखते हैं, द क्विक फिक्स गाइड. जब मैंने इनकी पहली बुक पढ़ी ना, कोई भी अगर स्टूडेंट्स को पढ़ेगा पहली, तो वो फौरन से अपने आप को क्वेश्चन करेगा कि ये ऑथर है, इन्होंने ये तो बता दिया कि पढ़ना कैसे है, अब ये जो पढ़ ली है हमने, इनके इनके तरीके से हमने पढ़ ली है, इंट्रोडक्शन कैसे पढ़ना था वो भी पढ़ लिया हमने, लिटरेचर भी जैसे उन्होंने बताया था वैसे ही हमने पढ़ लिया, उसको हाईलाइट भी वैसे ही कर लिया, अब उनको लिखना कैसे है. तो जो सेकेंड बुक है इनकी, हाउ टू अवॉइड द बिग फिक्स गाइड टू एकेडेमिक राइटिंग, हाउ टू अवॉइड बिग मिस्टेक एंड स्मॉल एरर्स. तो इसमें ये बताते हैं कि आपने किस तरह से इसको जो पढ़ा है आपने, अब उसको लिखना कैसे है. तो उसकी पूरी उन्होंने गाइडलाइन दी हुई है, वही जो पहले उन्होंने बनाया हुआ मैट्रिक्स बनाया हुआ है, उसी मैट्रिक्स को यूज करते हुए उन्होंने लिखना भी सिखाया है कि अब आपने लिखना कैसे है. जैसे लिटरेचर व्यू आपने करना है. अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ एक जस्ट मैं ऐड करूंगा लास्ट पे, हमें बीइंग अ स्टूडेंट मुझे हमेशा ये प्रॉब्लम रही कि जब हम लिटरेचर व्यू लिखते हैं तो लिटरेचर व्यू किस पैराग्राफ से शुरू करें. बुक्स हमें ये तो बताती हैं या टीचर्स हमें ये तो बताते हैं कि आप ऐसा करें कि आप प्रीवियस स्टडीज को पढ़ें और उनकी समरी बना लें, आप ये देख लें कि कितना उन्होंने जो है मेथड कौन सा यूज़ किया, सैंपल कितना यूज़ किया, उनके रिजल्ट्स क्या आए हैं. तो वो कहते हैं ये तो ठीक हो गया, लेकिन अब पैराग्राफ कैसे लिखें, पहले पैराग्राफ में क्या आएगा, सेकेंड पैराग्राफ में क्या आएगा, थर्ड पैराग्राफ में क्या आएगा, वो कोई कोई हमें गाइड नहीं कर पाता. तो इन्होंने अपनी इस बुक में बताया कि अगर आप लिटरेचर व्यू लिख रहे हैं तो उनको थीम्स के अकॉर्डिंग आपने करने का प्रोसीजर ये है. उनका उन्होंने पूरा एक यहाँ पे इसकी बनाई है समरी जो है, वो ये कहते हैं कि मैंने स्टूडेंट को असाइनमेंट दी और मैंने उनको कहा कि आपने गेम और वीडियो गेम्स के जो इफेक्ट्स हैं उनके ऊपर आपने काम करना है. तो कहते हैं मैं एक आपको RCOS जो उन्होंने शीट बनाई हुई है, ये एक स्टूडेंट की फील्ड उन्होंने शेयर की है, और उसमें उन्होंने कहा कि ये SPL जो है ये समरी ऑफ प्रीवियस लिटरेचर है. हम क्या करते हैं, हम दूसरों का लिटरेचर पढ़ते हुए उनको पैराफ्रेज करना शुरू कर देते हैं और उनको अपना लिटरेचर बना लेते हैं. तो वो कहते हैं ऐसे नहीं करना, बल्कि हमने दूसरों के पैराग्राफ को पढ़ते हुए हमने हर पैराग्राफ को एक हमने आप कह लें हेडिंग कह लें या एक हमने उसको एक ऐसा नेम देना है जिससे हम उसको रिकॉल कर सकें कि वो पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में था. जैसे अगर हमने एक आर्टिकल पढ़ा जो जेंटाइल लिंच वगैरह का है और ये बता रहा है कि अब ये ROF है, यानी फाइंडिंग्स ऑफ प्रीवियस रिसर्च क्या है जो हमें बताए जाते हैं, लो हॉस्टिलिटी विद हाई एक्सपोजर टू वायलेंट गेम्स आर मोर इन्वॉल्विंग इन फाइट्स देन हाई हॉस्टाइल स्टूडेंट्स जो हैं.
अब वो कहते हैं जो उसका लिटरेचर था जब मैंने पढ़ा तो पहला पैराग्राफ जो है वो हाई सेल्स के बारे में था, वीडियो की हाई सेल्स के बारे में था, दूसरा पैराग्राफ जेंडर डिफरेंस के बारे में था, तीसरा वॉयलेंट कॉन्टेंट के बारे में था, जो फोर्थ था वो डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ वन पॉपुलैरिटी ऑफ वीडियो गेम्स, ट्रेड डिफरेंस, पेरेंटल मॉनिटरिंग और गेम मॉडल जो है। इसके बाद जब दूसरा मैंने पेपर पढ़ा तो पब्लिक कंसर्न के बारे में, इंक्रीजिंग स्टडीज के बारे में, जेंडर डिफरेंसेस के बारे में, एग्रेशन के बारे में, बिहेवियर और कॉग्निटिव इफेक्ट्स के बारे में। इसी तरह थर्ड जो पैराग्राफ जो आर्टिकल है वो भी पब्लिक कंसर्न, लॉन्गिट्यूडनल मीडिया वायलेंस और चेंज सेल्फ कंसेप्ट और एग्रेशन। फोर्थ वन जो है पब्लिक कंसर्न, मीडिया वायलेंस, एग्रेशन, शॉर्ट टर्म एग्रेशन, जेंडर डिफरेंसेस। तो वो कहते हैं कि एटलीस्ट जब स्टूडेंट 20 से 30 स्टडीज को पढ़ेगा और इन फॉर्मेट में उसको करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि जो डोमिनेंट थीम्स हैं दूसरों के जो लिटरेचर रिव्यू के अंदर है वो क्या है, और उन डोमिनेंट थीम्स के अकॉर्डिंग जो सबसे डोमिनेंट है वो उसका पहला पैराग्राफ बन जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड और फिर थर्ड और फोर्थ। एक तो ये दो बुक्स हैं और तीसरी बुक जो है वो इन्होंने अपनी बुक में बताई हुई है, उसका नाम है द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल। ये बुक मैं रिकमेंड करूंगा, जैसे सर ने कहा है ये एक प्रोफेसर है, अब तो नहीं है ये, विलियम स्ट्रंग जो हैं, इनकी बहुत बेस्ट सेलर बुक है। इन्होंने 63 पेजेस में, जैसे वो कहते हैं दरिया को कूजे में बंद कर दिया है, तो इन्होंने बताया है कि किस तरह से कुछ ऐसी मिस्टेक है कि ये काफ़ी 1950 में जब ये पढ़ाते रहे तो ये कहते हैं कि मैंने देखा कि स्टूडेंट सर्टन मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो स्पेशली जो इंग्लिश की हैं जो हमारे स्टूडेंट्स भी करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि उसके कुछ इन्होंने रूल्स बना दिए हैं, इनके टोटल जो हैं इसमें एलिमेंट्री रूल्स ऑफ यूजेज जो हैं उसमें टोटल 18 इनके रूल्स हैं। तो ये प्रोफेसर अपनी बुक में लिखते हैं, ये वाले जो फिलिप्सी शोन है, कहते हैं मैंने स्टूडेंट को कहा कि आपने इस बुक को पढ़ना है, और कहते हैं मैंने इसके 18 रूल्स को कोडिंग शीट इसकी बना ली है। मैं स्टूडेंट को सिर्फ लिख देता हूँ सेंटेंस मैंने पढ़ा और उसमें लिख देता हूँ यू हैव वायलेटेड द रूल नंबर 3। तो स्टूडेंट को फौरन पता चल जाता है कि उसने भी ये बुक पढ़ी होगी, तो उसको पता चल जाएगा कि किस जगह पे मैं कौन सा रूल जो है वो वायलेट कर रहा हूँ। तो इन्होंने ये 18 रूल्स बनाए, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी स्टूडेंट को बिल्कुल जो इंग्लिश है उसका प्रॉब्लम है रिटन के अंदर जो है, तो इस बुक को पढ़ते हुए जो है अपनी उस प्रॉब्लम को, और इसके बारे में उनका यही ख्याल है, वो कहते हैं ग्रामर की बेशुमार बुक्स मिलेंगी आपको, और वो इतनी मोटी किताबें हैं जो कि स्टूडेंट वैसे ही जो है उससे जान छुड़वा लेता है। तो कहते हैं कि मुझे ये बुक इसलिए भी अच्छी लगती है कि 63 पेजेस के अंदर जो ऑथर हैं ये विलियम स्ट्रंक जो हैं, इन्होंने हर चीज़ को इन 18 रूल्स के अंदर डिफाइन कर दिया। और कहते हैं ये वो मेजर ब्लंडर्स हैं जो नहीं होने चाहिए। छोटे मोटे वो कहते हैं वो तो चले उसमें गुजारा हो जाता है स्टूडेंट का, लेकिन इतनी बड़ी मिस्टेक जो है वो नहीं होनी चाहिए, और वो ये जो 18 रूल्स हैं वो उन जो 18 मिस्टेक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे इन्होंने एक जस्ट मैं बता देता हूँ, डू नॉट ब्रेक सेंटेंसेज इन टू। अब उन्होंने बताया कि कहाँ पे आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज को कॉमा के साथ जो है आपने मिलाना है, कहाँ पे नहीं मिलाना, कहाँ पे आपने सेंटेंस को टू में ब्रेक करना है, कहाँ पे नहीं करना। कहते हैं मेरे स्टूडेंट्स को इवन ये है और जो सेंटेंस क्या होता है वो क्या है। तो ये मैंने जब बुक पढ़ी 63 पेजेस की है, मेरे ख्याल में इसके रूल्स भी हेलो हाँ जी फरहत बोलिए, मुझे बीच में कॉल आ रही थी तो मैंने मैंने कहा शायद ओके सर। ये पूरी बुक है 18 इसके रूल्स को फॉलो करते हुए मेरे ख्याल में जो आपने बात कही है, इन्होंने बताया कहाँ पैसिव वर्ब्स यूज करना है, कहाँ पे पैराग्राफ शुरू करना है, कहाँ पे एंड करना है। तो ये कुछ रूल हैं जो मेरे ख्याल में मैंने बीइंग अ स्टूडेंट खुद फेस किए हैं, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है कि पैराग्राफ हमने कहाँ शुरू करना है और कहाँ उसको क्लोज करना है। कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं पूरे पूरे एक एक पेजेस के पैराग्राफ लिख के ले आते हैं, कुछ 2 पेजेस पे पूरे पैराग्राफ उनके फैले होते हैं और उनको खुद नहीं पता चल रहा होता है कहाँ पे एक बात अब खत्म कर देनी है और नई शुरू करनी है। तो और ज्यादातर हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं, तो इन्होंने इसके
के अंदर तकरीबन सभी चीजों जो है वो डिफाइन कर दिए। फराहत बिल्कुल आई ओपनर है आपका जो सेशन है, बहुत ही अमेजिंग। मेरे ख्याल में सर इन फ्यूचर जो है हमें कुछ सेशन जो है, ये जो बुक है मैं इस पे भी वर्क कर रहा हूँ, हम थोड़े से इसके ऊपर भी वर्क करते हुए कुछ गाइडलाइंस जो ये वाली हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। डेफिनेटली स्ट्रॉन्गली रिक्वायर्ड, ताकि चूंकि बात वही है सर कि हमारा सारे का सारा फोकस आजकल है एनालिसिस के ऊपर, ये एनालिसिस लगा लें, सेम लगा लें, आर लगा दें, इसके ऊपर एमोस लगा दें तो पेपर फैंटास्टिक हो जाएगा। और थीसिस में तो हर बच्चे को आजकल ये लगता है कि बस मैंने अगर मैंने मीडिएशन मॉडरेशन यूज कर लिया ना तो अब किसी की जरूरत ही नहीं है कि वो मुझे कुछ कहे, राइटअप चाहे जैसा मर्जी है, आइडिया में कुछ जान नहीं होती है। तो बस ये कि मैंने वो एक अच्छी सी पिक्चर बना ली है, उससे मैं लोगों को अच्छा डरा सकता हूँ और अब ये है कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता है। तो इन एक्चुअल जो है मैंने देखा है कि जो वहां पे पेपर एक्सेप्ट होते हैं वो होते हैं आपके राइटअप के ऊपर जो है। इवन के कुछ प्रोफेसर जब मेरी बात हुई वहां पे तो वो दे डोंट नो अबाउट द ऑल द मीडिएशन एंड मॉडरेशन प्रोसेसेस और बाकी सेम वगैरह को उनको इतना नहीं पता, लेकिन उनका राइटअप है सब कुछ। शायद जो लोग थ्योरी बिल्ड कर रहे हैं और जो बाकी लोग कर रहे हैं वो तो अपने अपने आइडियाज की वजह से पहचाने जा रहे हैं, वो इस वजह से नहीं पहचाने जा रहे कि उन्होंने मीडिएशन मॉडरेशन लगाया हुआ है या उन्होंने जो कोई और सॉफ्टवेयर जो है उन्होंने यूज किया जो बड़ा फैंटास्टिक था और उससे बड़ी उनकी जो एक पहचान बनी है। कुछ लोग हैं जो इस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं और जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है, लेकिन उनकी जिंदगी पूरी सॉफ्टवेयर के ऊपर ही है। प्रोफेसर रिंगल वगैरह जो दूसरे हैं, मार्को वगैरह हैं, उनका तो डेफिनेटली सारा वर्क वो सॉफ्टवेयर को लेकर चल रहे हैं वो, लेकिन हमारे जैसे ऑथर जो हैं इनका राइटअप के ऊपर भी फोकस होना चाहिए क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो इन चीजों की जरूरत है हमें। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल सेशन फराहत, सो मच टू लर्न। थैंक यू।